हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैंने देख ली अपने हस्बैंड के साथ में बेल बॉटम। कैसी लगी आपको बेल बॉटम? रुकिए, पहले मुझे अपने दर्शकों से माफ़ी मांगनी है। जो मैंने डिस्टेंस किस बात के लिए जो मैंने टाटा से खड़गपुर का डिस्टेंस बताया था 250 किलोमीटर, वो लगभग 150 किलोमीटर है। मैं जल्दी मैं आपको बताना भूल गई थी, 250 किलोमीटर बोली 150 किलोमीटर की तरफ से। ये डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा मैडम ये कितने डिस्टेंस का है। तो मैंने 250 किलोमीटर बताया था, इससे कन्फ्यूज़न हो रहा था, सभी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, इसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ। ये 150 किलोमीटर है। अच्छा, तो कैसी लगी आपको ये फिल्म? मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइएगा। फिल्म की कहानी के बारे में मैं नहीं बताऊँगी, जैसे रॉ एजेंट अपने काम के बारे में नहीं बताते, उसी तरीके से मैं नहीं बताऊँगी। इसके लिए आपको सिनेमाघर में जाके देखना होगा। आप इस फिल्म को देखते ही रॉ एजेंट बन गई? हाँ, नहीं अगर मैं बता दूँगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा ना उतना, कि चलो भाई बता दिए हैं इतना, तो फिल्म के बारे में मालूम चल गया। अक्षय कुमार का काम कैसा लगा आपको? अक्षय कुमार का नो डाउट फिल्म में बहुत अच्छा वर्क किए हैं, जैसे उनको खिलाड़ी कहा जाता है, वो उसमें खड़े उतरे खिलाड़ी के तौर पे। और उसके बाद लारा दत्ता का रोल? लारा दत्ता का भी रोल नो डाउट, उनका भी लारा दत्ता का रोल बहुत ही अच्छा था। इंदिरा गांधी थिएटर लग रही थी? हाँ, आप तो जैसे पूछ रहे हैं, जैसे लारा दत्ता में नहीं समझ के उस समय भी इंदिरा गांधी आदमी सबको बोल रहे थे, तो उसी तरीके से जिस तरीके से सजाया गया उनको बनाया गया है, पूरा लारा दत्ता इंदिरा गांधी ही लग रही थी। उमा कुरैशी के किरदार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उमा कुरैशी के किरदार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, उसको देखने के लिए आप फिल्म में जाइए, पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। उसके लिए बहुत ही बड़ा सस्पेंस है कि उन्होंने किस तरीके से किरदार निभाया अपना। तो इस फिल्म को आप कितना स्टार देना चाहिएगा? मैं इस फिल्म को 4.5 में कितना स्टार दीजिएगा? 5 दे दूँगी।